मेवात की बिनगांव थाना पुलिस लॉकडाउन का जमकर फायदा उठा रही है। जहां लॉकडाउन की वजह से इलाके में आपसी लड़ाई झगड़े और दूसरे आपराधिक मामले काफ़ी कम हो गए हैं, वहीं पुलिस ने अपना सारा फोकस अदालत के पीओ, बेल जंपर और भगोड़ों को गिरफ्तारी करने के लिए अपना सारा समय दे रही है। बिनगांव पुलिस ने 2 से 3 हज़ार के इनामी आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बिनगांव थाना प्रभारी रतन लाल ने बताया कि बुधवार को थाने के गांव मामलिका से 3 हज़ार के इनामी आरोपी आजम को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ राजस्थान के कामा थाने में 2011 में मामला दर्ज था। वहीं आजम के खिलाफ एक मारपीट का मामला बिनगांव थाने में भी दर्ज है। थाना प्रभारी रतन लाल ने बताया कि इसके अलावा 6 साल पहले गांव झिमरावत गांव में किए गए एक मर्डर के मामले में 2 सगे भाई खुर्शीद और इकबाल अदालत से पीओ चल रहे थे, जिनको गांव से ही मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 15 साल से अदालत से पीओ चल रहे रिठत गांव के शब्बीर को मंगलवार को उसके गांव से ही गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी की फिलहाल लॉकडाउन की वजह से इलाके में आपराधिक मामले कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पुलिस ज़्यादातर बेल जंपर और भगोड़ों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। बिनगांव थाने के अधिकतर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, ये आजम सरनोप अली हुसैन है, गांव मामलिका से, और कामा थाने में इस पे 3 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। FIR नंबर 25/2011 अंडर सेक्शन 363/66/376 IBC में इस पे 3 हज़ार रुपये का कामा पुलिस की तरफ से इनाम। कितने दिन से सर ये फरार चल रहा है? ये 2011 से जी। जी, कामा से गिरफ्तार किया है इसको? इसके गांव से ही गिरफ्तार किया। जिले का कोई मुकदमा था? नहीं, हमारे पास वांटेड की लिस्ट आ रही थी, और हमारे भी एक मुकदमा में, ये खुद ही अभी बता रहा है, अभी लाए हैं आपके पास, लेकिन हमारे भी किसी मुकदमे में ये नाम बता रहा है, जिसको मैं वेरीफाई करके बताऊंगा आपको, आप बता रहा हूँ। तो बाकी दो आरोपी पकड़े आपने, तो हत्या के 5-6 साल से पीओ थे और एक 15 साल से था? नहीं जी, वो तो 3 पीओ थे जो कल पकड़े थे हमने, इकबाल और खुर्शीद ये जो मौज खा के लड़के थे, ये तो थे झिमरावट के, जो 2014 में मर्डर हुआ था, जिसमें FIR नंबर 174 हुई थी 302 IPC का, जिसमें दोनों पीओ घोषित हो रखे थे, इकबाल खुर्शीद सरनोप मौजका और झिमरावट। तीसरा जो पीओ हमने पकड़ा था शब्बीर सरनोप दिनू रिठड़ का, ये FIR नंबर 289 ये 2005 से गिरोहबंदी बना के लूट की केस में नामजद था, जिसमें इसको पीओ घोषित कर रखा था नून कोर्ट ने। तो अब तक हमने लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले 9 पीओ पकड़े थे, और अब स्टार्ट हुई है जब 3 पीओ और एक आज चौथा ये पकड़ा। जी, आगे क्या योजना, जिस तरीके से लॉकडाउन के तहत क्या सफलता मिल रही है उनको गिरफ्तार करने? सर, पूरी सफलता मिल रही है, अभी हमने नया शिफ्ट कर काम करना शुरू किया है, तो हमारे ठीक से शुरुआत हुई है, और जितने भी हमारे पास लिस्ट भेजी सारे अरेस्ट कर। ठीक है, थैंक यू।